चमोली के गैरसैंण जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य पर अपनी स्कूल की ही नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को केस से पीछे हटाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि प्रिंसिपल ने आरोप लगने के बाद अपने पद से भी इस्तीफा नहीं दिया है। मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 10 नवंबर 2017 को विज्ञान प्रतियोगिता से वापस आते वक्त मुझसे छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी शिकायत मैंने थाना गैरसैंण में की थी, पर अभी तक इस पर कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर कि मैं उस विद्यालय में रहने में असमर्थ हूँ। और यहाँ पे उनके क्षेत्रीय प्रभावता के कारण उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, यदि उनको 24 घंटे के अंतर्गत अरेस्ट नहीं किया गया, संपूर्ण परिवार हमारा यहीं पे धरना स्थल पर बैठेगा जब तक उनको यहाँ से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बता दें कि बीते 9 नवंबर को गोपेश्वर में आयोजित विज्ञान प्रतियोगिता से गैरसैंण लौटते समय आरोपी प्रधानाचार्य ने गाड़ी में पीड़ित छात्रा से छेड़छाड़ की, जिस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चमोली से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।